दो दिन का झारखंड में मेरा प्रवास था। अगले सप्ताह और दो दिन के लिए आने का प्रयास करूंगा। ये जो दो दिन का प्रवास, उस प्रवास में मेरा संथाल में जो अभिज्ञता हुआ, एक्सपीरियंस हुआ और जो मैंने देखा, मैं अगली बार आके महामहिम राज्यपाल जी को बताऊंगा और गाय बथान का परिवार को न्याय मिले, छात्रावास का स्टूडेंट्स को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करूंगा। आज जमशेदपुर में संगठन का ही बैठक था, लोगों में मिला, लोगों से बातचीत किया, अगले चुनाव का कैसे प्रबंधन किया जाए उसका ऊपर थोड़ा बातचीत किया। आप लोग देखिए, बीजेपी 51 सीट जीते थे लोकसभा में, 2-4 सीट हमें और बढ़ाना है। तो मेरा विश्वास है झारखंड का लोग हमें भरपूर आशीर्वाद देगा, नया सरकार बीजेपी का ही बनेगा। सर, लोकसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई थी, क्या ये ट्रेंड इस बार भी रहेगा विधानसभा? हाँ, हमारे पूरी सीट में तो एक ही बार में पार्टी देना तो संभव नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि थोड़ा चुनाव का पहले ही कम से कम जो सीट में बहुत ज्यादा उम्मीदवार नहीं है, ऐसा सीटों का अगर हो सकता है तो हम लोग कोशिश करेगा। ये समझा जा रहा है कि एसटी रिजर्व सीटों पर ज्यादा, ऐसा नहीं है। हमारा आदिवासी सीटों में भी, हर सीटों में हमारा नजर है, लेकिन ऐसा कोई सीट है जो सीट में पार्टी उम्मीदवारों का बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, वो सीट हमें थोड़ा अगर सेंट्रल पार्टी सोचते हैं कि थोड़ा आगे भी दे देना है, कोई उसमें समस्या नहीं होगा। देखिए, ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन कोई कोई प्रदेशों में है, कर्नाटक में है, कोई सारे प्रदेशों में है। एसटीएससी सब कैटेगराइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, और मुझको लगता है कि कम्युनिटी से ही रिएक्शन आना ठीक है। हमें इसमें रिएक्शन ज्यादा देने का मैं नहीं उचित नहीं समझता हूँ। मेरा लगता है कि इसका ऊपर कमेंट एसटीएससी समुदाय से ही आने से ठीक है। देखिए, नीट का जो गड़बड़ी हुआ उसमें पहले से ही हम लोग बोल रहा था कि पूरा भारत में नहीं हुआ है, दो एक स्टेट में हुआ है, पॉकेट्स में हुआ है। तो अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट में भी बोला कि यह झारखंड और बिहार का कुछ पॉकेट्स में हुए हैं, मतलब झारखंड का पॉकेट्स मतलब हजारीबाग का, आप लोग जानते हैं, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूं। अभी हमें इतना ही करना है कि आगे परीक्षा और स्ट्रिक्ट हो, स्टूडेंट्स का विश्वास कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है। मेरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी भरपूर प्रयास करेगा कि आगे कुछ भी ना हो, कुछ भी लिखना हो। देखिए, मैं इतना ही बोलूंगा, अगर मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोग मारा जाता है प्राकृतिक दुर्योग का कारण, वो समय में ईडी का याद नहीं रखूंगा। लेकिन आप राहुल गांधी का विड़म्बना देखिए, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में 300 लोग मारा गया है, दुखद मृत्यु हुआ है वायनाड में, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी था, और 300 लोगों का निधन हुआ है। वो समय भी और राजनीति करने का उनका पास समय है, वो व्यक्ति का मानसिकता एक बार आप लोग सोच लीजिए कैसा अद्भुत मानसिकता होगा। जैसे असम में बाढ़ था, वो समय हम बाकी सब बातें भूल गया था, इसलिए जब एक समाज, एक अपना क्षेत्र का लोग प्राकृतिक दुर्योग का सामना कर रहा है, 300 लोग मारा गया है, निधन हुआ है, और कितना लोग निधन हुआ है उनका भी अकाउंट्स निकालना बाकी है, काम चल रहा है राहत का, ये व्यक्ति पॉलिटिकल ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उसका मानसिकता आप लोग खुद समझ लीजिए। कहाँ गाड़ी लगाया? 5 रुपया।
ত্রিবেণী কব মোক লগ পাম খুব কিছুমান এইবিলাক খুব হেৰি আছে নিউজ লেডিজ আহিল আপোনালোকৰ এক্টিভিটি এইবিলাক খুব মানে হেৰি আছে চিৰিয়াছলি মানে মানে মনিট কৰিব আছে মানে তন্দ ভাল লাগে তাই মানে जमशेदपुर का कार्यकर्ता का बीच में जोड़ता और बंदी
Thank you.
सबका हो गया सभी से आग्रह होगा जिनका हो गया है वह कृपया करके आप ऐतिहासिक ढंग से अपना हो जाने के बाद स्थान को खाली करके सभी आप सम्मानित कर करता है। अब सबों से आग्रह है सभी लोग शांति से कतार में जगह करें सबका हो जाएगा और समय की भी बचत इंदिरा हो गया है वो आगे वाले से जगह खाली कर दे ताकि नए लोग अपना फोटो करा सके। सभी को आग्रह है कतार में तो होगा चिंता हो गया है वो आगे वालों से खाली कर भोजन के लिए बनाए गए स्थान पर चले।